हे गाइस, आज के वीडियो में जो न्यू अपडेट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल पर सेट कर सकते हो। जो आज की वीडियो, उसके जो न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो आज का फर्स्ट अपडेट है, विक्टोरिया का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटर्न करवाने वाला प्लान है उसके रिगार्डिंग है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में फिर से आएंगे, उसमें एक मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर की थी जिसमें क्वारंटाइन फीस के रिगार्डिंग था, बट जो आज अपडेट आ रही है क्वारंटाइन की, ठीक है, उसमें है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूटिंग करेंगी क्वारंटाइन फॉर दीज स्टूडेंट्स। 120 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर वीक आया करेंगे। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला गया है प्लान, अभी देखो अप्रूव्ड होता है या नहीं, बट 120 स्टूडेंट्स बहुत कम है वीक में, ठीक है, क्रिसमस पर कह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। और नेक्स्ट है जो फिल हनीवुड ने ट्वीट किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं एलन डज हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं जल्द से जल्द रिटर्न करवाएंगे, बट इन पर ट्रस्ट करना थोड़ा नहीं करना चाहिए ट्रस्ट, क्योंकि ये तो ट्वीट्स ही करते रहते फिल हनीवुड, ठीक है, इनकी कोई बात अभी तक जो है मुमकिन जो असली नहीं निकली है, ठीक है, इसलिए इस पर तो मैं ट्रस्ट नहीं करता फिल हनीवुड पर। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है जो यूके जा रहे हैं क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा उनको, ठीक है, ये यूके जा रहे हैं जिनके कोविशील्ड लगी हुई है, ठीक है, 11 अक्टूबर से ये यूके जाएंगे, उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, इंडिया से कोविशील्ड लगे होगी, ठीक है। ये अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी इसको अपनाता है कि ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे करते हैं जिनके वैक्सीन लगी हुई है कि वो क्वारंटाइन ना करे। जो नेक्स्ट है वो है अर्मिट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे ये यूनिवर्सिटीज ईमेल सेंड कर रही हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि एडमिशन्स के लिए भी हो सकता है, अपनी वेबसाइट्स पर डाल रही हैं ये सब कुछ कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम बैक कर रहे हैं ना, इसलिए अभी जो न्यू स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया तो अभी रुक जाओ, जितना टाइम स्टूडेंट्स नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया के लिए तब तक अप्लाई मत करना, क्योंकि ये अभी ये मतलब लॉलीपॉप ही कह सकते हैं उसको कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। रिमिट यूनिवर्सिटी लगा लो, और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अपने पैम्पलेट्स मतलब पब्लिश कर रही हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये आपको मैं वैसे बता देता हूँ, स्ट्रिक्टनेस रूल्स ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं, ठीक है, उनको भी $400 का फाइन लगा है मास्क ना पहनने की वजह से। ये देख सकते हो कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। और यही थे आज के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। अभी न्यू स्टूडेंट्स अप्लाई मत करना क्योंकि अभी कुछ नहीं पता इनका, और कोई भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।